तो दोस्तों सीधे हम बात करने वाले एंजल वन लिमिटेड कंपनी के बारे में, और हम यहाँ पर करेंगे एंजल वन का वीकली एनालिसिस कि नेक्स्ट वीक के लिए कौन से मॉडल लेवल्स है जो हमें एंजल वन के अंदर ध्यान में रखने हैं, एंड उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर जो है वो टारगेट्स क्या होने चाहिए। सो देखो दोस्तों, रीसेंट टाइम में हमें एंजल वन के अंदर यहाँ पर दो दिन से गिरावट ही देखने को मिली है, ठीक है। और यहाँ पर जो है वो मतलब लास्ट टू ट्रेडिंग सेशंस में स्टॉक जो है वो हमें गिरता हुआ ही देखने को मिला है, और इसके पीछे का रीज़न यह है क्या है, क्वार्टर फोर के रिजल्ट्स। अब रिजल्ट्स कैसे थे? रिजल्ट्स वैसे तो अच्छे दिखा दे रहे थे, लेकिन मार्केट ने एक्सपेक्टेशन ज़्यादा लगाई थी और वो एक्सपेक्टेशंस को स्टॉक जो है वो मीट नहीं कर पाया, एंड इसीलिए काउंटर के अंदर हमें जो है वो करेक्शन स्टार्ट होता हुआ देखने को मिल रहा है, और करेक्शन फर्दर कंटिन्यू भी हो रहा है। तो नेक्स्ट वीक में क्या ध्यान रखना है कि करेक्शन अगर मान लो इसी तरीके से कंटिन्यू हुआ तो आपको एक सपोर्ट टेस्ट होता हुआ देखने को मिलेगा, दैट विल बी द लेवल ऑफ 2500। अगर ये काउंटर 2500 के नीचे निकल जाता है तो और सेलिंग आने के चांसेस है, जो 2000 तक भी यहाँ पर कंटिन्यू होगी। अगर 2500 2600 के अराउंड से रिवर्सल आ गया तो वापस से इसके अंदर स्लो एंड स्टडीली अच्छा खासा अपमूव आएगा, जो 3000 के बाद 3250, एंड उसके बाद वापस से काउंटर 3500 3600 तक भी जाने का पोटेंशियल रखेगा।